मोदी जी हो सकते हैं, लेकिन आपकी नियत सही होनी चाहिए, करने की होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को आखिरी गांव नजर आते हैं ये। कांग्रेस पार्टी जैसी कोई दूसरी पार्टी नहीं और उमेदवार जी जैसा उम्मीदवार नहीं। राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार अब चरम पर है। सूबे की हॉट सीटों में शुमार बाड़मेर जैसलमेर संसदीय सीट पर भी चुनाव प्रचार पूरे परवान पर है। इस सीट पर चुनाव प्रचार अब पाक सरहद तक पहुंच गया है। कांग्रेस उम्मीदवार उमेदाराम बेनीवाल के समर्थन में पाक सरहद से सटे सारला गांव में सभा का आयोजन किया गया और सभा में पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी सहित कांग्रेस का कुनबा मौजूद रहा। इस दौरान सभा में उपस्थित जनसमूह को देखकर कांग्रेस उम्मीदवार में जोश और उत्साह भर गया। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस दिन 3 तारीख को आप नामांकन सभा में आए, हमने आपसे अपील की और हमने जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा आप बाड़मेर पधार कर पूरे भारत के, उत्तरी भारत के मीडिया और नेताओं को अलर्ट कर दिया और कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये आश्वस्त किया आपने कि हम बदलाव की शुरुआत इस थार की धरती से करेंगे और विपक्षियों की नींद उड़ा दी आपने। आपका यही जोश आने वाली 26 तारीख तक ऐसा ही रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। आपसे विशेष अपील करते हैं कि मतदान के दिन आप सतर्क रहें। मतदान शुरू होने से आधा एक घंटा पहले अपने अपने बूथ पे जाएं और जब तक पेटियां पैक होके आपके आंखों के सामने वापस रवाना नहीं हो जाए तब तक बूथ के ऊपर अलर्ट एक योद्धा की तरह डटे रहें। वहां वर्तमान परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है, आपने 10 साल बीजेपी को देखे देख लिए, उन्होंने क्या क्या वादे किए और कितने पूरे किए वो आप किसी से चाहने नहीं है। चाहे किसानों की बात करें, चाहे जवानों की बात करें, चाहे क्षेत्र के विकास की बात करें, चाहे पानी बिजली की बात करें, सभी मुद्दों के ऊपर केंद्र की सरकार विफल रही है। 2000 शब्द के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी आए थे अपने को बड़े बड़े सपने बता के गए और ये भी सपना बताया कि मेरे भाइयों और बहनों, मेरे कस के अंदर आम और अंगूर होते हैं, हो सकते हैं तो बाड़मेर के अंदर क्यों नहीं। मोदी जी हो सकते हैं, लेकिन आपकी नियत सही होनी चाहिए, करने की होनी चाहिए। बाड़मेर का जवान, बाड़मेर का किसान मेहनती है, ईमानदार है, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखता है। लेकिन आप अगर खेत तक पानी लाओगे तभी तो होंगे, खाली बातों से कभी नहीं होने वाले। आने वाले 26 तारीख को ये थार बाड़मेर, बलोतरा और जैसलमेर किस दिशा में आगे बढ़ेगा ये तय करेगा। बड़े संघर्ष से इस इलाके को हम लोग आज इस स्थितियों में पहुंचाया हुआ है। आज ही इस देश के यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम आया और हम लोगों के यहां से, इस थार से, बाड़मेर जिले से, बाड़मेर बालोता से 4-4 नौजवान इसमें परीक्षा में पास होकर और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इस थार के योगदान दुनिया को दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चारों के चारों नौजवानों को बहुत बहुत इस थार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आज उन्होंने देश और दुनिया में अपन लोगों का नाम रोशन किया। ये बढ़ता हुआ थार जिसमें हम सब लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी निरंतर बढ़ रही है, ये कौन लोग हैं जिनको ये बढ़ता हुआ थार पसंद नहीं है? ये कौन लोग हैं जिनको हम लोगों के मुद्दे, हम लोगों की बात, हम लोग पसंद नहीं है, हम लोगों की हिस्सेदारी पसंद नहीं है, हम लोगों की भागीदारी पसंद नहीं है? ये कौन लोग हैं? मेरे थार के लोगों से ये आज निवेदन है कि उनको पहचानो। ये कौन लोग हैं जो उमेदवाराम बेनीवाल को अपनी आवाज बनकर इस थार को और देश को आगे बढ़ाने से आज वो तमाम ताकतें एक दफे फिर संगठित होकर उमेदवाराम बेनीवाल को रोकना चाहती है? ये कौन सी ताकतें? मेरे आज इस देश के पहले ग्राम पंचायत से, यहां से पाकिस्तान का बॉर्डर 6 किलोमीटर से,
नरेंद्र मोदी जी को आखिरी गांव नजर आते हैं ये, और हम लोगों के लिए इस दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ गांव कौन से हैं, ये हम लोगों के गांव है, वो दुनिया के सबसे पहले गांव है। हमारे पूर्वजों ने खून पसीनों से इन गांवों को में हम लोगों को पला पोसा विपरीत परिस्थितियों के अंदर। आज आगे बढ़ता हुआ इस इलाके के अंदर बीएडीपी के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिल रही थी। हम लोगों को आगे बढ़ने से पिछड़ा जिले के माध्यम से मदद मिल रही थी। हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना, क्योंकि हम लोग सब ढाणियों में रहते हैं। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं, ये सामने सारला है, पर सारला ग्राम मुख्यालय के ऊपर कितने परिवार रहते हैं, 99% लोग अपन ढाणियों में रहते हैं। आज उन ढाणियों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना है, उन सड़कों को रिपेयरिंग करने के लिए प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना में प्रावधान है। क्या प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना से नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों की मदद करी? नहीं, नहीं मदद करी। आप लोगों से निवेदन करूंगा, मेरे से पहले वक्ताओं ने, हरीश जी ने और दूसरों ने आप लोगों से निवेदन किया कि आप मेहरबानी करके आपका कीमती वोट, सपोर्ट और आशीर्वाद उम्मेदवार जी दे करके इनको विजयी बनावे। हम सब लोग यही बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं, आप लोगों से निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। लंबे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं है, समय भी नहीं है, और भाषणों से कुछ मिलना भी नहीं है। और रासवाल पार्टी का उम्मीदवार का कांग्रेस पार्टी जैसी कोई दूसरी पार्टी नहीं, और उम्मेदवार जी जैसा उम्मीदवार नहीं। तो उम्मीदवार हमारा अच्छा, पार्टी हमारी अच्छी, और आप लोगों का मन है, खास करके वोट मन से ही मिलता है। मन नहीं होता है तो वोट नहीं मिलता है, चाहे चुनाव लड़ने वाले कितनी कोशिश कर ले, कोशिश तो सभी करेंगे, लेकिन जहां जिसका मन होगा। आप लोगों का इस बार यहां जो उपस्थिति देख करके, और बीच में रास्ते में जो ट्रैक्टर वगैरह गाड़ियां स्वागत के लिए फूल बरसाना, जेसीबीएन वगैरह, ऐसा मैंने तो पहले कभी देखा नहीं। मैंने भी 1980 में पहला चुनाव लड़ा, इस प्रकार का उत्साह लोगों में ये पहली बार मैं देख रहा हूं। पर ये उत्साह 26 तारीख तक ऐसा का ऐसा बना रहे,